Hello everyone, my name is Tahir. I've come from a long way, Hyderabad से आया हूँ. तो यहाँ पे मैं IT park में काम करता हूँ. I'm a full-time software engineer. कैमरा के साथ मेरा रिलेशन लाइक बचपन से रहा है. माई डैड हैड स्पॉइल्ड मी बाई टेकिंग माई पिक्चर्स, लॉट मैनी पिक्चर्स. तो वेन आई वॉज इन माई टीनेज आई यूज टू लाइक सेल्फ शूट करता था खुद के. एंड एवोल्यूशन इमेज अकेडमी में आया था फेब में दिस ईयर. एंड आई शोड धीरेन सर सम ऑफ माई क्लिक्स एंड ही वॉज लाइक और भी अच्छे हो सकते हैं. तो मुझे वही काइंड ऑफ एक्सपर्टीज चाहिए था फोटोग्राफी में. लाइक मुझे आता था फोटोग्राफी बट मुझे टेक्निकली सीखना था. ऑब्वियसली लर्निंग इज़ समथिंग आई ऑलवेज परस्यू एंड हर किसी को परस्यू करना चाहिए. कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए. एंड धीरेन सर जो है उन्होंने बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सब कुछ सिखाया हमको. एंड अगर मेरे शूट्स तब और अब अगर मैं देखूँ या किसी को भी मैं दिखाऊँ तो देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस दैट आई सी. एंड दैट इज़ वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट वेन यू जॉइन समथिंग एंड वेन यू ट्राई टू लर्न फ्रॉम दैट. तो थैंक यू धीरेन सर. एंड आई होप आपका एक्सपर्टीज़ हमेशा हमारे साथ बनाए रहे. अभी कभी भी हमको अगर किसी भी चीज़ का डाउट हो या कहीं भी हम अटक जाते हैं तो आई होप आपका गाइडेंस हमेशा हमारे साथ रहेगा. एंड अभी गोइंग फॉरवर्ड आई हैव टेकन अप योगा फोटोग्राफी. तो अभी मैं वीकेंड्स पे उसको फ्रीलांस करता हूँ अपार्ट फ्रॉम माय फुल टाइम जॉब. सो आई होप आई गेट फर्दर मोर अपॉर्चुनिटीज. अपॉर्चुनिटीज़ जब भी आती हैं तो आई फील यू शुडंट बी वेरी पिकी और सेलेक्टिव. जैसे आपके पास आ जाती है कुछ, यू शुड टेक इट अप एंड डेफिनेटली उसमें से आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिलेगा. तो लर्निंग इज समथिंग एवरी वन शुड परस्यू इज व्हाट आई वॉन्ट टू से. थैंक यू. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. यस, एनीवन एल्स प्लीज कम फ्रीली. गुड आफ्टरनून एवरीवन. कैसे हो दोस्तों सारे? ठीक दीपा, बहुत ठीक है. तो फोटोग्राफी में मेरी जर्नी कुछ इस तरह की है. पिछले साल लास्ट ईयर मैंने कैमरा परचेज करा था अपना, मतलब खुद के पैसे से. ऐसे ही कोई DSLR लिया था सेकेंड हैंड. तो शौक तो बहुत पहले से था तो एकदम ले लिया. उसके बाद अच्छा लगा, मतलब अच्छा ही करना चाहिए कुछ. फिर घर वालों को कन्विंस करना था सबसे बड़ा, क्योंकि मैं एक्चुअली में ग्रेजुएट हूँ. BSc करा मैंने जूलॉजी बॉटनी माइक्रोबायोलॉजी से. तो घर वालों को इस चीज़ के लिए कन्विंस करना बहुत मुश्किल था कि मुझे फोटोग्राफी में डिप्लोमा करना है फिर कोर्स करना है, क्योंकि घर वाले मतलब बी फार्मा एम फार्मा ऐसा कुछ कह रहे थे, ऐसा कुछ कर ले करके. पर घर वालों ने बहुत सपोर्ट करा, पर घर वालों ने कहा कर ले जा ले करके. ठीक है, फिर आ गया यहाँ. पहले दिन यहाँ आया बैच में और दोस्त देखे. सर को पहले ही मैंने अपना काम दिखाया था. सर ने कहा कंपोजिशन ठीक है पर बाकी चीज़ें थोड़ा देखनी पड़ेंगी. ये चीज़ बहुत मतलब हिट होगी एकदम से यार, कि क्या है यार. मतलब यहाँ का जो काम देखा मैंने एकेडमी में, जो फोटोज़ लगी हुई हैं मैंने वो देखी. फर्स्ट डे जब देखी मैंने कहा यार कैसे खींचूंगा ये, क्या कर दिया ये, कैसे खींची हुई है. कि मतलब तभी लगा कि है मेरे में पैशन या फिर मैं ऐसे ही आगे कर गया. फिर धीरे धीरे सुलझो जब सर ने सिखाया तो सब चीज़ें कुछ आसान लगने लगी. एक एक कर मतलब जो भी चाहे प्रोडक्ट था हमारा, चाहे हमारा स्ट्रीट था. वैसे मतलब मुझे स्ट्रीट में और स्ट्रीट के जो पोर्ट्रेट्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मतलब अभी भी वही है, क्रेज़ है बहुत ज़्यादा. कुछ मिल जाए तो होता है शूट कर लो. लैंडस्केप हो गया, नेचर हो गया, क्योंकि मैं केदारनाथ से हूँ तो वहाँ तो बस नेचर ही है. तो नेचर देखा है बचपन से, हमेशा फ़ोटोज़ क्लिक करी हैं. मेरा दोस्त अभिषेक बैठा हुआ है यहाँ पे, सब जानते हैं मेरे बारे में बहुत अच्छे से. साथ ही में काम करते हैं हम. मतलब रिसेंटली हम दोनों ने, मैं इससे मिला था अभी आधा साल भी नहीं हुआ मुझे इससे मिले हुए. हम दोनों ने साथ में मिलके कम से कम 20 वेडिंग शूट कर लिए. एक साल भी नहीं हुआ अभी साथ में काम करते हुए, एक साल से कम हुआ है. मतलब इतने शूट कर लिए हैं, 20 वेडिंग शूट कर लिए. 10-11 मैंने कर लिए, 10-11 उसने कर लिए. तो बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए, मतलब जो चीज़ हमने कभी सोची नहीं थी. फर्स्ट डे गए थे हमने लाइटिंग का एक्सपीरियंस नहीं था, हमने लाइटिंग कभी नहीं करी थी. हम वेडिंग में गए, फ्लैश लगाई, हमारी योगी हालत ख़राब. अब क्या करें, इसे कैसे सेट करें करके बहुत आफत आ गई. संदीप दोस्त बैठा हुआ मेरा पीछे में, कॉलेज कम कम आते हैं पर वेडिंग साला बराबर करता है. तो वेडिंग वगैरह में संदीप वगैरह सब मिले थे. संदीप ने थोड़ा फ्लैश का नॉलेज सिखाया था. फिर कॉलेज में हमारी लाइटिंग हुई नहीं थी तब तक, बाद में लाइटिंग सीखी फिर गए तो तब काफ़ी एक्सपीरियंस मतलब इंक्रीज़ हो गया था.
अभी अपनी वेडिंग करते हैं हम या फिर कुछ भी शूट करते हैं, लैंडस्केप करते हैं, पोर्ट्रेट करते हैं, तो काफ़ी मज़ा आता है। रोहित सर हमारे प्यारे हमें फ़ोटोशॉप सिखाया है रोहित सर ने, बहुत मज़ा आया, मतलब काफ़ी फन था फोटोशॉप। बहुत ही मतलब अभी की डेट में काफ़ी अच्छी एडिटिंग करनी आ जाती है खुद से, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ भाई अनुज तेरे को ही बोल रहा हूँ अनुज बैठा हुआ है पीछे 6 महीने का कोर्स वाला, वेडिंग में मतलब हमसे सबसे जो हमें सबसे एक्सपीरियंस आदमी है वही है। काफ़ी टाइम से कर रहा है, 2-3 साल से कर रहा है। ठीक है भाई हम भी कर लेंगे 2-3 साल, कोई प्रॉब्लम नहीं धीरेन्द्र सर को मैं एंड ऑफ द डे, मतलब आज एंड ऑफ द डे ही बोलूँगा मैं, बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने हमें बहुत कुछ सिखाया, मिस करेंगे हम बहुत ज़्यादा। एकेडमी आना रेगुलर का था, मतलब एकेडमी आओ बैठो फन करो, आपके साथ भी बहुत मतलब फन करते थे हम, आपका भी हमसे गुस्सा नहीं हुए करके। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच गौरव फॉर जॉइनिंग। सो एनीवन एल्स आउट देयर हु वांट टू शेयर द एक्सपीरियंस? Thank you for joining. So, hi, my name is Kunal Kumar. पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बेस्ट फोटोग्राफर ऑफ द ईयर हूँ, बस थोड़ा दुखी भी हूँ कि मैं कल से इंस्टीट्यूट नहीं आ पाऊँगा। मेरे को बहुत वो रहेगा कि मैं जिस एक्साइटमेंट में रोज़ घर से निकलता था, शायद बारिश हो जाए, तूफान आ जाए, मैं इंस्टीट्यूट पहुँचना है किसी भी हालत में, शायद वही मेरी शायद वही मेरी दिलचस्पी रही कि मैं आज बेस्ट फोटोग्राफर ऑफ द ईयर रहा हूँ। मैं जैसे ही मैंने बहुत चीज़ें सीखी है, सर ने मेरे को बहुत चीज़ें सिखाई है। मैंने इंटरव्यू में बोला था कि मैं ज़ीरो से हीरो बनाऊँ, तो हमारे सर के वजह से ही बनाऊँ, सर के वजह से ही बनाऊँ, तो मैं बहुत खुश हूँ आज। सो इट्स अ ग्रेट आफ्टरनून होता ना, हाँ इट्स अ ग्रेट आफ्टरनून टू ऑल द जेंटलमैन्स। बहुत अच्छे लग रहे हैं यार सब, मैन इन ब्लैक हो रखा है पूरा सारा का सारा। एक्चुअली यू सर, यू लुकिंग क्लासी जेंटलमैन, थैंक यू सो मच सर दिल से कि आपने मुझे इस काबिल बनाया। सर आपने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। मैं सही में मैं तो होपलेस हो रहा हूँ कि कैसे, मतलब आई एम गेटिंग नर्वस, बट ठीक है बन गया हूँ। आई एम सो हैप्पी सर, इट्स अ ग्रेट, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ज्वाइनिंग एवोल्यूशन इमेज अकेडमी फॉर परसुइंग माई ड्रीम करियर इन फोटोग्राफी। थैंक यू सो मच सर भी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सो एनीवन